नमस्कार दोस्तों, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के आगे ढेर हुआ पूरा न्यूजीलैंड। टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लिया कप्तान रोहित शर्मा ने, तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टी20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद भारतीय टीम का आज पहला टी20 मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम के साथ खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने मार्टिन गुप्टिल और डैरियल मिचेल आए, लेकिन डैरियल मिचेल आते ही पहले ओवर की तीसरी गेंद पर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद पारी को मार्टिन गुप्टिल और मार्क चैपमैन ने संभाला। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 109 रनों की साझेदारी हुई और फिर मार्क चैपमैन ने 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं मार्टिन गुप्टिल ने भी शानदार 42 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली। फिर आखिरी ओवरों में भारतीय टीम ने वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 20 ओवर में 164 रन 6 विकेट के नुकसान पर ही रोक दिया। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को 1-1 विकेट मिला। 165 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी और दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहली ही गेंद पर केएल राहुल छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर क्रीज पर सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के बीच शानदार साझेदारी हुई। भारतीय टीम ने 10 ओवर में 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा अर्धशतक से चूक कर 48 रनों पर अपना विकेट खो बैठे। लेकिन दूसरे छोर पर अभी भी सूर्य कुमार यादव शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में महज 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। और फिर आखिरी ओवरों में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम को 20 ओवर से पहले ही जीत दिलवा दी। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।